मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानगर वासियों को बेहतर वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम द्वारा तारामंडल स्थित बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह से 10 इलेक्ट्रिक बस, 25 कूड़ा वाहन, 2 वाटर टैंक वाहन तथा 2 टूरिज्म इलेक्ट्रिक बस सहित कुल 39 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके संबंध में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 122 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण किया है। गोरखपुर के लोगों के लिए एक सौगात है। पुराने इलेक्ट्रिक बसों के साथ 10 और इलेक्ट्रिक नई बस आई है। सफाई के लिए कूड़ा वाहन लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम को मिला है तथा विभिन्न जगहों पर टूरिस्ट को घूमने के लिए 2 लग्जरी इलेक्ट्रिक बसें भी मिली हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, SDM सदर कुलदीप मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वार्ड नंबर 59 के पार्षद संजय श्रीवास्तव एवं ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, एवं विभिन्न परियोजनाओं की कुल 39 माननीय महापौर महोदय एवं माननीय विधायक कैंपियरगंज के सानिध्य में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री महोदय जयपुर गोरखपुर को विकास देते हुए आज एक नवीन आयाम को नगर निगम गोरखपुर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से सौंपा जा रहा है। फ्लैग ऑफ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज जनपद गोरखपुर के नगर निगम गोरखपुर की ओर से जीरो टॉलरेंस प्रदूषण मुक्त हमारे समाज को स्वच्छ भारत की ओर सड़क करने से इलेक्ट्रिक बसों को जीरो एमिशन के साथ जो बचे हैं उन्हें हरी झंडी दिखा करके उन्हें सदैव प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपना वरध्वज संरक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आज गोरखपुर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग के बीच में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और 125 करोड़ रुपए का 422 परियोजना का आज उन्होंने लोकार्पण किया है। उसमें 10 नया सिटी बस हम लोग को मिला है, 35 कूड़ा वाली गाड़ी हम लोग को मिली है जो घर घर कूड़ा कलेक्शन के लिए हुआ है। बहुत सौभाग्य की बात है गोरखपुर वासियों के लिए। निश्चित था आज पूज्य महाराज जी ने जो 122 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है गोरखपुर के लोगों के लिए सौगात है। और प्रायः योगी जी महाराज जब भी गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर वासियों को नए नए तोहफे रोज दे के जाते हैं। आपके सामने से यहाँ देखें नई सिटी बस जो हमारी 10 आज जुड़ी है उस बेड़े में, भले से सिटी बसें चल रही थी विभिन्न रूटों पर, आज 10 और उसमें प्लस कर दी गई। सफाई के दृष्टिकोण से करीब हमको लगता है 26-27 गाड़ियाँ जो है उसमें नगर निगम के बेड़े में आज सम्मिलित हुई हैं। टूरिस्ट बसें हमारी जो आई हैं 2
बसें अभी आई हैं, लग्जरी हैं, उसे टूरिस्ट जो भी आएंगे तो विभिन्न जगहों पर ले जाकर के पर्यटकों को घुमाया जाएगा। और निश्चित है गोरखपुर का आप देखें रामगढ़ ताल परियोजना, हमको लगता है भारतवर्ष में ऐसा विहंगम दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलेगा जहाँ आप खड़े हैं। तो इस तरह से गोरखपुर का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। कुंज महाराज जी दिन रात सोचते हैं, अभी हम लोग आपके मदन मोहन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी कार्यक्रम किए हैं, रोजगार मेला था, वृहद रोजगार मेला, उसमें पूरे प्रदेश के नौजवान आए हुए थे, तमाम वहाँ रोजगार के लिए उनको अवसर मिला है, सबको नियुक्ति पत्र जारी हुआ है, तमाम हमारे जितने उद्यमी हैं छोटे बड़े जो रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए भी पूज्य महाराज जी ने उनको लोन भी वितरित किया है। इस तरह से काम गोरखपुर में बहुत तेज़ी से हो रहा है और इसी हिसाब से गोरखपुर नहीं उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बहुत ही भव्य रूप में उत्तर प्रदेश विकसित होने जा रहा है, जिसका अगले 5 सालों में जनता महसूस की है और करेगी भी।